यूपी पुलिस की वैकेंसी के बारे में जानना है, तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल रमन, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो गाइस, यूपी पुलिस की वैकेंसीज के बारे में जानना है आपको। मैं काफी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूं, वैसे अपने से काफी भाई बहनों को, लगभग सभी को पता ही है कि यूपी पुलिस की कितनी वैकेंसीज आने वाली है, किस किस में आने वाली है। तो कुछ भाई बहनों को नहीं पता है, जो मेरे पास कमेंट वगैरह भी आए हैं, इधर आपको मैं दिखा भी रहा हूँ, यहाँ पे कमेंट वगैरह भी शो कर रहा हूँ जो मेरे पास आए हैं। तो चलिए, उन तक भी सूचना पहुंच जाएगी और जिनको नहीं पता है उन्हें भी पता चल जाएगा यूपी पुलिस में कितनी वैकेंसीज आने वाली है। तो यूपी पुलिस में लगभग 40,000 वैकेंसीज आनी है, जिसमें 17 से 18 हज़ार लगभग पीएससी की वैकेंसी रहेंगे, और उन्हीं में एसएसएफ, जेल वार्डर, फायरमैन और स्टेनोग्राफर और एएसआई वगैरह की भी वैकेंसी शामिल होंगी। और एसएसएफ वगैरह हैं जो भी हैं, इनमें महिलाएं भी आवेदन कर पाएंगी। और ये उन भाई बहनों के लिए एक सुनहरा मौका है जो पिछली 60,244 पद वाली वैकेंसीज में अंडर एज रह गए थे, या फिर उनको लग रहा था कि हमारा एग्जाम सही नहीं हुआ है, नेक्स्ट हमें मौका मिलना चाहिए, उनके लिए तो उनके लिए दोबारा मौका भी है। और जिनकी अंडर एज थी उनके लिए सुनहरा मौका है कि उन्हें जो है इसमें फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो आप लोगों के लिए इतनी वैकेंसी अभी फिलहाल में आ रही हैं, तो आप लोग तैयारी करिए बढ़िया तरीके से। जिनका एग्जाम पहले खराब हुआ था, उनको थोड़ा डाउट है कि हमारा होगा या नहीं सिलेक्शन, तो उनके लिए एक और मौका है। तैयारी में अपनी चार चांद लगा दीजिए और बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। तो वैसे आप लोग देख रहे होंगे, मैं अभी इस टाइम बाहर आया हूँ शूट करने के लिए, और बाहर आने का मेरा मकसद ये था कि मैंने अभी ये एक नया माइक परचेज किया है जो डिजिटेक का है। इसका एक डिटेल्ड रिव्यू बनाऊंगा, मैं एक पूरी वीडियो कंप्लीट बनाऊंगा इसमें कैसे क्या क्या सिस्टम है क्या नहीं है। इसका अभी फिलहाल वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि आउटडोर में शूट करने पर हमारी वॉइस क्वालिटी कैसी आती है, ऑटोमेटिक नॉइस कैंसिलेशन मोड जो है वो काम करता है या नहीं करता है, बाहर की जो नॉइस आ रही है वो या नहीं आ रही है, वो चीज़ देखनी है। मतलब बाहर की नॉइस नहीं आनी चाहिए, वॉइस आपके पास क्लियर आनी चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है, बाहर की नॉइस तो नहीं आ रही है इसमें, ठीक है। तो आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वैसे एक मैं वीडियो अभी बहुत जल्द लाने वाला हूँ, यूपी पुलिस पीएससी और कांस्टेबल, और यूपी पुलिस पीएससी कांस्टेबल और सिविल कांस्टेबल के बीच का जो अंतर है, या जो भी डिफरेंसेस हैं ड्यूटी से लेकर या सैलरी से लेकर, सारा कुछ अब हम जो है उसमें क्लियर करेंगे बिल्कुल डिटेल में जा करके, क्योंकि मैं एक यूपी पुलिस पीएससी का जवान हूँ और पीएससी के बारे में बिल्कुल क्लियरली कर सकता हूँ, और सिविल की भी मेरे को थोड़ी जानकारी है क्योंकि मेरे भाई मेरे दोस्त जो है सिविल पुलिस में भी जॉब करते हैं, तो उनका थोड़ा आइडिया है मेरे पास जो है, तो आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।